नमस्कार, नवजीवन बुलेटिन में आपका स्वागत है। जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों ने फिर से गोलीबारी की है, जिसमें एक बच्ची समेत चार लोग घायल हो गए हैं। जम्मू कश्मीर के सोपोर में आतंकवादियों ने आम लोगों पर एक बार फिर गोलीबारी की है। पुलिस के मुताबिक फायरिंग में एक बच्ची समेत चार लोग घायल हो गए हैं। घायलों को स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज किया जा रहा है। चांद को छूने से ठीक पहले चंद्रयान के विक्रम लैंडर का संपर्क इसरो से टूट गया, जिसके बाद इसरो प्रमुख के सिवन पीएम मोदी के सामने फूट फूट कर रोने लगे। चांद को छूने से चंद कदम दूर चंद्रयान 2 का मून लैंडर विक्रम से संपर्क टूट गया। संपर्क टूटने के समय विक्रम चांद से महज 2 किलोमीटर की दूरी पर था। संपर्क टूटने के बाद इसरो प्रमुख के सिवन का हौसला टूट गया और पीएम मोदी के सामने वे फूट फूट कर रोने लगे। इसके बाद पीएम मोदी ने उन्हें गले लगाकर उनका हौसला बढ़ाया। चंद्रयान मिशन पर पक्ष और विपक्ष दोनों ने ही इसरो को बधाई दी है। उत्तराखंड में बादल फटने की वजह से भारी तबाही हुई है, जिसमें 2 लोगों के मरने की खबर है। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले के नाचीन क्षेत्र में शुक्रवार देर रात बादल फटने की वजह से भारी तबाही हुई। एक इलाके में मकान ढहने की वजह से एक व्यक्ति की मौत हो गई। इसके अलावा कई अन्य इलाकों में भी घर ढहने की बात सामने आई है। भारी बारिश की वजह से कई हल्के वाहन भी बह गए। और हरियाणा में विधानसभा चुनाव से पहले बीएसपी और जननायक जनता पार्टी के बीच गठबंधन खत्म हो गया है। हरियाणा में इसी साल विधानसभा चुनाव होने हैं। इस बीच चुनाव से पहले बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने जननायक जनता पार्टी के साथ गठबंधन खत्म कर लिया है। मायावती ने दुष्यंत चौटाला की जननायक जनता पार्टी पर सीटों के बंटवारे को लेकर भेदभाव का आरोप लगाते हुए गठबंधन तोड़ने का ऐलान किया।